गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास नाइन्थ के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के सवाल को जो है सॉल्व करेंगे, 7.1 के सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला और दूसरा हो चुका है, आज है तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल को हम शुरू कर रहे हैं। इसमें कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक, कोई त्रिभुज है मान लिया यही त्रिभुज ए बी सी, एक करा शीर्ष कोण का समद्विभाजक, शीर्ष कोण यह है, शीर्ष कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजक करता है। इसके सम्मुख भुजा मान लिया ये वही है सम्मुख भुजा, इसको ये क्या कर रहा है समद्विभाजक कर रहा है। तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विभाजक, यानी ये ये जो पूरा त्रिभुज है ए बी सी एक समद्विभाजक त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। दिया है एक त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक, सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजक करता है, सिद्ध करना है। त्रिभुज समद्विभाजक समद्विभाजक, यानी ये जो त्रिभुज एबीसी है इसको समद्विभाजक को सिद्ध करना है। अगर ये दो त्रिभुज मान लीजिए, एक इस साइड बन रहा है एक इस साइड, ये दो त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के बराबर मानी जाएगी। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्वांग बराबर, इसका ये अंग इसके बराबर होगा। और फिलहाल ये बराबर है भी क्योंकि उसने दे रखा है, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में बी डी जो है बी डी बराबर है सी डी के, क्योंकि इसने दे रखा है ये सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलना, तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा। बी डी बराबर सी डी और ए डी जो है दोनों में है। चलिए ये कोण लिखते हैं, ये कोण का समद्विभाजन हो रहा है, यानी दो भागों में कोण बट रहा है समद्विभाजन, मतलब दो बराबर भाग में, तो आधा इधर यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, क्योंकि ये कोण का समद्विभाजन हो रहा है। और ए डी जो भुजा है ए डी बराबर है ए डी, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है ए डी भुजा दोनों त्रिभुजों में, तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या हो गया, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संगत भुजाएं उन दोनों की क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम है, अतः ए बी बराबर किसके होगा, अतः ए बी बराबर होगा ए सी के, सर्वांगसम हो गया ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो इसकी संगत इसके संगत इसमें ये भुजा आएगी, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विभाजक त्रिभुज है। तो ये हो गया आपका सिद्ध।
अब है क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है, कह त्रिभुज पी क्यू आर है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये मान लिया ये त्रिभुज है, पी क्यू आर, कोण पी जो है कोण आर के बराबर, यानी कोण पी बराबर है कोण आर, कोण पी बराबर है कोण आर, और क्यू आर है 4 सेंटीमीटर, पी आर है 5 सेंटीमीटर। देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर कोण R, ये दिया है, और QR बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है इसमें, इसमें ज्ञात करना है। PQ की माप, तो ये ज्ञात करना, तो ये प्रूफ नहीं होगा, ये हल होगा, साल होगा सलूशन। देखिए यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की दो भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, या यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कोण क्योंकि कोण P बराबर होगा कोण R है, तो P के सामने जो भुजा पड़ेगी QR और R के सामने पड़ेगी PQ, इसलिए PQ बराबर होगा QR के। प्रमेय है, आप ये प्रमेय ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में ये दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो PQ इसके सामने की भुजा क्यू आर है और इसके सामने की भुजा पी क्यू है, ये दोनों बराबर होंगे, पी क्यू बराबर क्यू आर, यानी पी क्यू क्यू आर के बराबर, तो क्यू आर कै सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू भी कै सेंटीमीटर होगा 4 सेंटीमीटर होगा। आपका ये सवाल हो गया हल। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एफडीई। देखिए दो त्रिभुज, एबीसी दूसरा है एफडीई, इस तरीके से करा, ये दोनों सर्वांग सम, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी है 40 अंश का, कोण ए है 80 अंश का, तो ज्ञात करना है कोण ई, कोण ई कितने अंश का होगा, और कोण भुजा ई एफ की लंबाई कितना,
ये इसका जो फिगर बनेगा इस तरीके से बनेगा। इसमें हम देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो सर्वांगसम का मतलब उसकी भुजाएं जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भी जो होगा एबी के बराबर, बी सी जो होगा डी के बराबर, और ए सी जो होगा तो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एफ डी ई ये सर्वांगसम है, तो हम जानते हैं सर्वांगसम है तो उनकी समूह भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अब जब भुजाएं बराबर तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो उनके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण एफ बराबर होगा कितने अंश का, 80 अंश। कोण डी बराबर होगा 40 अंश। कोण ई बराबर अगर ज्ञात करना है तो कोण एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो दो कोण हमारे पता हैं, तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर 180 माइनस 80 प्लस 40 इन दोनों को जोड़कर रखा है, तो कोण ई बराबर हो गया 180 माइनस 120, कोण ई बराबर हो गया आपका 60 अंश। ये है आपका आंसर। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस यहीं तक, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।